हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 97 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड है। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है पटना में। जो लोग पटना से इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं, BSC अकेडमी राजेंद्र नगर ब्रांच एंड बोरिंग रोड ब्रांच दोनों ही जगह टेस्ट अवेलेबल है। देखो सवाल में हमारा क्या है, इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, इस सवाल को हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक तो सबसे बेस्ट अप्रोच जो हमारा है होगा वो, ठीक है, उसके बाद फिर इसका फंडामेंटल। तो सबसे पहले हम लोग बेस्ट अप्रोच की ओर चलेंगे। क्या बोल रहा है सवाल में, टू कंटेनर पी क्यू हैव मिक्सचर। दो कंटेनर है हमारे पास जिसमें पी और क्यू है, ठीक है। इन पी थ्री लिक्विड ए बी सी आर मिक्सड। पी में तीन लिक्विड है, ए बी और सी। किस रेशियो में है, इन द रेशियो 2:1:1। 2:1:1, ठीक है। इन क्यू टू लिक्विड्स बी एंड सी मिक्सड इन द रेशियो क्या, 3:2। यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे बी और सी है सिर्फ, 3:2। मिक्सचर ऑफ बोथ कंटेनर पी एंड क्यू पोर्ड इन टू थर्ड कंटेनर, ठीक है। पी और क्यू का जो है उसको मिलाया जाता है और एक तीसरे कंटेनर में बनाया जाता है, थर्ड कंटेनर, ठीक है। थर्ड कंटेनर जिसका नाम दिया हुआ है क्या, एक्स, ठीक है। विच शोज द क्वान्टिटी ऑफ ए बी सी इन द रेशियो क्या, 8:13:10। कितना क्वांटिटी दे रहा है, 8:13:10, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वांटिटी इन क्यू। क्यू में जो क्वांटिटी है इज व्हाट परसेंट लेस और मोर देन द क्वांटिटी इन पी, पी से कितना परसेंट कम या अधिक है। तो सबसे पहले क्वांटिटी निकालना होगा। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को जब मिक्स करेंगे, पी और क्यू को जब मिक्स करेंगे, तो बाकी बी सी तो मिक्स होगा, ए तो वही का वही आना चाहिए। यहाँ पे ए 2 है, यहाँ पे 8 है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो अब यहाँ से बी और सी को जब मिक्स करेंगे, तो देखो आप यहाँ से 4 3 7 जोड़ के, 4 3 जब जोड़ेंगे तो ये हमारा 13 हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए 7। तो हमें क्यू में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारा इक्वेशन को गड़बड़ाए नहीं और हमारा सेट कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दे। तो देखो क्यू में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे क्या दे देगा, 9 दे देगा, यहाँ पे क्या दे देगा, 6 दे देगा। 9 और 4 जब आप ऐड करोगे, 9 और 4, तो ये हमारा 13 दे देगा। 6 और 4 को जब ऐड करोगे तो 10 दे देगा। जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं हमारा, तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो सकता है, बैलेंस हो गया अब हमारा। अब देखो यहाँ पे पी में वजन कितना है, 8 है 4 है और 4 है, 8 4 12 4 कितना हो गया हमारा, पी का टोटल वजन हो गया 16, ठीक है। बी में यहाँ पे 9 था, यहाँ 6 था, यानी पी क्यू का वजन कितना हो गया यहाँ पे, 15, ठीक है। अब बोला था कि क्यू जो है पी से कितना परसेंट अधिक या कम है, तो पी से देखो तो यहाँ पे तो कमी हो रहा है, कितने का कमी हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है, यानी कि परसेंटेज कमी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 1/16 × 100। इसी को जब फर्दर सॉल्व करेंगे 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, और यहाँ पे यही हमको देगा 6.25% का क्या कमी, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हम लोग चलते हैं इसका फंडामेंटल हमें कैसे बनाना है, यानी ए बी सी में हमारा दिए हुए था, ए बी सी से ही हमें सॉल्व करना है। तो देखो ए बी सी से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पर समझना है कि हम बोल दिए ए में जो था वो था 2x, बी में जो था वो था x, सी में जो था वो था कितना, x, ठीक है। ये पी का बात करें हम लोग, क्यू में आते हैं, ये 0 था, यहाँ पे ये होगा हमारा 3y, ये होगा 2y, ठीक है। अब इन सबको जब मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद ए बी सी क्या हो जाएगा, 2x रेशियो एक्स प्लस में कितना, 3y रेशियो एक्स प्लस में कितना, 2y, और इसी का रेशियो आपको दिया हुआ है कितना, 8:13:10। जब p और q में तुलना करना है तो p का टोटल वजन कितना, 2xxx, यानी कि कितना हो जाएगा, 4x, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 5y, ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे x और y के बीच में जब तुलना करना है तो x और y के बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए। किसी भी दो को उठा लो, जैसे यहाँ से हम लोग उठाते हैं 2x बटा में x प्लस में कितना, 3y इज इक्वल टू, यहाँ से पहला वाला उठाए तो इधर भी पहला वाला, बटा में क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या देगा, 26x, ठीक है। फिर प्लस में हमारा इक्वल टू हमारा क्या देगा, 8x प्लस में 8 = 24y, ठीक है। 26 में 8 चला जाएगा, यानी कितना, 18x इज इक्वल टू कितना, 24y। अब इसी को सॉल्व करना है 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, यानी x बटा में y कितना आ गया, 4/3 आ गया। जब 4/3 आ गया, मुझे परसेंटेज के रूप में लेना है, कोई ज़रूरत नहीं कुछ वेरिएबल लगा के, सीधा सीधी x का मान क्या बोल देंगे, 4, y का मान बोल देंगे 3।
तो जब चार बोलेंगे तो देखो वहां पे फिर ये भी 16 आ गया, और तीन बोलेंगे तो ये क्या आ गया 15, फिर वही चीज, कितने की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है, और सेम फिर यही तरीका हम लोग करेंगे 16 और 15 आने के बाद, और फिर हमारा वही चीज देगा कितना 6.25% की कमी, और इस तरीके से हमारा आंसर क्या है 6.25%। अब आप जो देख लो, ये आपको आसान लग रहा है तो आप ये अडॉप्ट कर सकते हो, और ये आसान लग रहा है तो ये अडॉप्ट कर सकते हो। कुछ नहीं था इसमें भी, सीधा सीधी क्या था, पहले ए को बैलेंस किए, उसके बाद अपना आंसर लाने के लिए हम कोई भी रेशियो है 3:2 है जिसको हम नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे 9:6, ये भी तो सेम ही चीज़ है, ये दोनों तो इक्विवेलेंट है, ठीक है। जस्ट वही चीज़ करना है, और उसके बाद हमको क्या करना है, सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।